योगी आदित्यनाथ ने 1980 बैच के आईपीएस ऑफिसर सुलखान सिंह को यूपी का नया डीजीपी बनाया है। सुलखान सिंह की छवि एक तेज तर्रार ऑफिसर की है, लेकिन उनके बारे में ऐसी कई बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं। अगर आपने उनके कारनामों के बारे में जान लिया तो समझ जाएंगे कि क्यों योगी आदित्यनाथ ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उन्हें अपना सेनापति चुना है। सुलखान सिंह तेज तर्रार तो हैं ही, बेहद ईमानदार भी हैं। सुलखान सिंह का जीवन कितना साधारण है, इसका पता आप इस बात से लगा लीजिए कि उनके जानने वाले बताते हैं कि उनके पास केवल दो जोड़ी कपड़े ही होते हैं। डीजीपी बनने के बाद सुलखान सिंह के बारे में एक कहानी सामने आई है। कहानी के अनुसार जब वो आगरा में एसपी थे, तब एक लड़की ने अपनी पहचान के दम पर पूरे पुलिस महकमे की नाक में दम किया हुआ था, लेकिन जब वो सुलखान सिंह के चंगुल में फंसी तो फिर सारी की सारी पहचान धरी की धरी रह गई। लड़की के मामले को लेकर राजनीतिक प्रेशर भी पड़ा, लेकिन सुलखान सिंह के आगे किसी की नहीं चली। सुलखान सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो अपराधियों के लिए काल हैं, तो पारिवारिक मामलों में भी एक्सपर्ट कहे जाते हैं। सामाजिक मुद्दों पर भी समझ के बदौलत सुलखान सिंह ने कई परिवारों को नया जीवन दिया है। आपको बता दें कि सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के 55वें डीजीपी हैं। उनके डीजीपी का पदभार संभालते ही तय हो गया कि अब यूपी में किसी ने गुंडागर्दी करने की कोशिश की तो उसकी मंजिल जेल की सलाखें होंगी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।